गुड इवनिंग एवरीवन, आज है शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को, मेरे तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को। तो अभी तैयार होके थोड़ा सा निकल रही हूँ, थोड़ा सा घूमने के लिए है, बैग याद है तो कुछ चीजें लेना है, उसी के लिए जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। गई हूँ कॉस्मेटिक के दुकान पर। फ्रेंड ये देखिए, मैंने ये छोटू सा कढ़ाई मैंने खरीदा है, ये छोटू सा कढ़ाई मैंने आज खरीदा है। ये कितना ग्राम, कितना वेट हुआ इसका मैं भूल गई हूँ, सुमित आज इसको पूछूंगी। इसका दाम लिया है 130 रुपीज। सिल्वर का कढ़ाई है छोटू सा, क्योंकि हमेशा ना डीप फ्राई करने से ना, बड़ा कढ़ाई में करने से ना बहुत ऑयल लगता है। छोटू सा कढ़ाई में करूँगी तो ऑयल कम में काम चल जाएगा, डीप फ्राई हो जाएगा। तो आते ही सुमित का फरमाइश मैगी खाना है, और बैकग्राउंड में आप सुन पा रहे हो। पूजा हो रहा है, आज है शिवरात्रि, जैसे कि ब्लॉग के शुरुआत में ही बता दिया है शिवरात्रि है, तो इसीलिए शंख का ध्वनि आवाज पा रहे हैं, इसका लीड पा रहती हूँ। तो आज मैंने ये वाला पहना था, और ये चूड़ी पहना था मैचिंग, और इस हाथ में वॉच पहना था, ये पहन के गई थी। तो आज पूरा मैचिंग पहना, देखिए इयर रिंग्स भी और शूज भी जो पहनी थी एकदम मैचिंग। तो अभी आ गई हूँ, सुमित को थोड़ा सा बना के देती हूँ मैगी। अभी टाइम हो रहा है 9:15, अभी वो मैगी खा रहा है, पता नहीं डिनर कब करेगा। डिनर में आज है एक करी, सुबह बनाया था एक करी, आज रात को भी एक करी बनाऊंगी। लेकिन रात का एक करी, एक को तोड़ के उसका एक भुजी बनाकर फिर करी में दे दूंगी। करी मेरा बन गया है, फिर एक को फ्राई करके उसमें डालना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह का 10 मिनट बाकी है। मैं वर्कआउट करी थी इसलिए पसीने से पूरा नहा चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ नहाने। अभी 10 बजने में तो 15 मिनट बाकी है, नहा धोकर आकर फ्रेश होकर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना, नींद से उठकर ही आज मैं नींद से उठी थी 9 बजे। 9 बजे उठकर ही फ्रेश होकर ही मैं एक्सरसाइज करने लग गई। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एवरीवन, आज है 2 मार्च वेनेसडे, और ये देखो कौन आ गया मेरे पैर के पास। अभी बहुत दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद मैं इसको टाइल्स में लेके आई हूँ, क्योंकि 3 दिन से इतना धूप आ रहा था ना, और काम के चलते मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, घर में छोड़ रही थी रूम पे, लेकिन टेरिस में नहीं लेके आ पा रही थी। तो आज जाकर मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो टेरिस में लेके आई हूँ। देखो कितना प्यार से खेल रहे हैं दोनों, और पॉपकॉर्न खाया था ना, मैं जब भी बोलती हूँ बनी आ जाओ, पिकू आ जाओ पॉपकॉर्न खाने के लिए, तुरंत तो नहीं आते हैं, जब खाना स्टार्ट कर देती हूँ तब आते हैं हाथों के सामने। और सीम का जो पेरे वगैरह है ये सब खराब होने स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतना धूप पड़ता है ना, पूरा जल गया है सीम का पौधा। फिर भी बहुत सीम है, अभी भी बहुत सीम है, इतना सीम इस साल हुआ ना, खा के उब गए थे, आधा तो पेड़ में ही एकदम बर्बाद हो गया है। बहुत, अभी भी बहुत सीम है, ये देखो बहुत है। और ये ना जो बीन्स, हम बंगाली में कड़ाई छोटी सीम बोलते हैं, और इसको मटर सीम बोला जाता है, मटर सीम हिंदी में शायद। ये वाला सीम उतना अच्छा नहीं लगता अभी, इसका मटर के जैसा दाना रहता है भरा हुआ एकदम। इसको मटर सिम कहते हैं। चलो इन दोनों को आप
देखो मजा करो कितना अच्छे से खेलते हैं दोनों। फ्रेंड टेरिस से आ गई हूँ। आने के बाद मैं पीकू बनी को इस तरह मैं इसका घर में रख दिया है, कुछ वाटर स्पिनिच और ग्रास देकर। ये दोनों अभी इसमें बिंदास खाएगा पिएगा खाएगा पिएगा सोएगा, मुंबई टपोरी जैसे बोलने लगी थी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी क्योंकि थोड़ा पता नहीं अंदर ही अंदर थोड़ा सा डल जैसा फील हो रहा है, यानी कि फीवर जैसा फील हो रहा है। और कल था शिवरात्रि, मेरा कुछ अच्छा नहीं गया। शिवरात्रि उतना भी अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं गया है, जो जिस तरह से मैंने बिताया शिवरात्रि आपके साथ शेयर किया। और आज है उसका नेक्स्ट डे। और अभी शाम के कितना बज रहा है, शाम के 7:30 बज रहा है, तो 3 घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ। सुबह इवनिंग पे मिली थी जब टेरिस में थे, और अभी 3 घंटे के बाद मिल रही हूँ। और चलो फ्रेंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और पूरा ब्लॉग वॉच करने के बाद आपको कौन सा बात अच्छा लगा, कौन सा चीज अच्छा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चले। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।